हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14.91 रुपए इजाफे के बाद 305.36 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 18.44 रुपए इजाफे के बाद 311.84 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। बन्नू में आम दुश्मनों का एक और वार। जानी खेल में फौजी काफले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए, 5 जख्मी। शोधा में नायब सूबेदार सनोवर अली भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में मुहासरा, सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तकवीत देती हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हैं। ऐसी हरकतें सरासर काबिले मजम्मत हैं। मेरी हमदर्दियां शहीद और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। निगरान वज़ीर दाखला सरफराज बुगटी की बन्नू में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुसल्ला फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले जवानों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गुआ है। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वालों के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन अमान का मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर काफ लीग और तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से नाले, TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। काफ लीग का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वफद आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वफद में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल होंगे। खुसूसी अदालत में साइफर केस का मुसद्दका रिकॉर्ड चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन PTI के रिमांड के हुसूल की दरखास्तें और रिमांड से मुतालिक मालूमात शामिल हैं। PTI कानूनी टीम ने साइफर केस से मुतालिक रिकॉर्ड हुसूल के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत से रुजू किया था। जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने PTI की रिकॉर्ड फरहमी की दरख्वास्त मंजूर की। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपये फी किलो दस्तियाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 125 रुपये किलो तक जा पहुँची। कराची में दूध की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था, मुतालबात ना माने गए तो पीठ से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जाएगी। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नज़रबंद रखा। नज़रबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को इंतकाल हो गया। मरहूम अपनी तकरीर का आगाज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से किया करते थे। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के शहर पालेकेले में खेले गए मैच में बांग्लादेश की पूरी टीम 43वें ओवर में 164 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने 165 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में पूरा कर लिया। एशिया कप पर खसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।